मेरा नाम अल्फी टोप्पो है, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, जसपुर जिला का, और मैं रायपुर जिला में पढ़ाई करता हूँ। और मैं आप लोगों को अपने लाइफ के बारे में, दो घटना हुआ है उसके बारे में साक्षी देना चाहता हूँ। मैं अगस्त में आया हुआ था, मेरे पापा, मेरे भैया और एक मेरी बड़ी मम्मी के साथ। उतना टाइम में मैं ये रोजरी का गवाही दिया था। मैं बहुत पहले ये समथिंग 2016-17 लगभग में मेरे को जो बादल का बिजली होता है वो मेरा पैर में लगा हुआ था। तो उस समय ये मेरा पल्स भी नहीं चल रहा था। तो उतना टाइम मेरी मम्मी यही वाला रोजरी को एक एक गोटी मेरा हाथ पे पार कर रही थी और मैं अपने मन पे मतलब यीशु यीशु बोल रहा था। हमारे वहाँ गांव के हॉस्पिटल से जो डॉक्टर थे वो सब मेरा पल्स चेक किए और पल्स भी मतलब नहीं मिल रहा था। और एक वो जो पल्स चेक करते उसको क्या बोलते हैं, नाम तो नहीं आता, कोई नर्स होंगे तो वो, तो उसे एक नहीं दो तीन से चेक किए, मेरा पल्स ही नहीं मिल रहा था। इतना तक डॉक्टर लोग बोल दिए थे मेरे को मृत घोषित कर दिए थे। वहाँ पर मेरी मम्मी लोग का विश्वास था और मेरा खुद का ऊपर भी विश्वास था कि मैं नहीं मरूँगा। और लास्ट में क्या हुआ, मैं आप लोगों के सामने हूँ ये बोल के, मतलब ये अगस्त में मैं गवाही दिया था। और उसके बाद मैं आया था ये 2018 में, ये अक्टूबर में आया था ये बीते साल। उतना टाइम मैं बीएड का एग्ज़ाम के लिए, मतलब ये बीएड में एडमिशन पाने के लिए मैं इंटरेस्ट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था और उसमें मेरा परसेंट था 47%। और वहाँ आया था और यहाँ पर काउंसलिंग भी किया था फादरगण लोग से। और मतलब उसमें मेरे पास दो ऑप्शन आ रहा था, उसमें मतलब मैं पढ़ाई करूं या और एक दूसरा फील्ड था उसमें जाऊं। इसमें मतलब दोनों में कंफ्यूज था। तो यहाँ काउंसलिंग में मैं फादर लोग से काउंसलिंग किया तो फादर लोग मेरे को बोले कि मतलब आपका भविष्य मतलब ये जो अभी जो कर रहे हो उसमें है। तो मैं शिक्षा को चुना, उसके बाद ये अपना काउंसलिंग करने के लिए मैं चले गया, ये काउंसलिंग कराया। अब मेरा परसेंट भी इतना कम है कि 47% ना, तो मेरा एडमिशन भी नहीं हो रहा। मतलब काउंसलिंग कराया, फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा नाम ही नहीं आया, इतना हताश हो गया। अब तभी मैं भगवान को मैं भूल गया था, बस इतना ही कि मैं काउंसलिंग कराया था। फादर बोले थे कि मतलब ये टीचर फील्ड में जाना है, जो आप पढ़ रहे हो जिसमें अभी आप कर रहे हो उसमें चले जाओ, उसमें जाओगे आप उसी में सक्सेस होगा, यही सोच के मतलब फादर बोल दिए हैं, मतलब वो हो जाएगा बोल के मैं चुपचाप मतलब चले गया और ये पिता ईश्वर को मैं भूल गया। और जब मैं फर्स्ट और सेकंड लिस्ट दोनों में मैं ठोकर खाया, तब जाके मेरे को फिर याद आया कि मैं प्रार्थना में कमज़ोर हूँ। उतना टाइम मैं फिर प्रार्थना किया, मेरे दीदी लोग को मैं बोला कि मतलब ऐसे हो रहा है, मैं उदास हो गया कि मतलब मेरे को फादर लोग तो बोले थे कि मतलब उसमें जाना है, ये आपका उसी में, ये आपका लाइफ टीचर फील्ड में। अब मेरा काउंसलिंग मतलब मेरे को कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, तब मैं करूँ तो करूँ क्या। जब मैं प्रेयर किया, सेकंड काउंसलिंग का सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आया और उतना टाइम मैं बहुत खुश हुआ कि मतलब मेरे को एजुकेशन फील्ड में एडमिशन मिला और कॉलेज भी ऐसे मिला। मैं वहाँ क्रिश्चियन हूँ, तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कॉलेज में क्रिश्चियन माइनॉरिटी से, जैसे 100 सीट होता है, 100 में से 50 लोग को क्रिश्चियन लोग को दिया जाता है। उसमें भी मैं क्रिश्चियन हो के उसमें भी मतलब मेरे को नहीं मिला। मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स मैं घर से बना के लेके आया था एडमिशन के लिए, लेकिन वहाँ पर भी मेरे को एडमिशन नहीं मिला। लास्ट में जब पिता ईश्वर पर विश्वास करके मैं प्रेयर किया तो सेकंड काउंसलिंग में मेरा एडमिशन हुआ और उसके बाद एडमिशन हुआ तो मैं भूल गया फिर वही पहले वाला कि मतलब जो मिलना था मिल गया, अब उससे क्या लेना देना। उसके बाद मैं फिर चले गया, अब एडमिशन हो गया, ये अक्टूबर नवंबर से मेरा कॉलेज स्टार्ट था। और मैं क्या बोला था, जाके मेरा एडमिशन हुआ तो मैं जाके वहाँ गवाही दूंगा। और मैं क्या हुआ, एडमिशन हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गया बोल के मैं मतलब आया ही नहीं यहाँ। नवंबर में मैं आया ही नहीं, फिर आ गया दिसंबर। दिसंबर में फर्स्ट मतलब ये शिविर के लिए आऊँगा मैं सोचा, फिर मैं बोला ये क्रिसमस तो आ रहा है, त्यौहार के टाइम में कुछ अच्छा होगा, त्यौहार में मैं जाऊँगा। तो त्यौहार में मैं जाऊँगा बोल के ये क्रिसमस का मतलब दिसंबर का फर्स्ट शिविर में अटेंड नहीं किया। उसके बाद मतलब ये क्रिसमस आने से पहले 17 दिसंबर को मेरा पैर ही टूट गया। अब पैर टूट गया
तब भाई अब उसमें बहाना मिल गया कि मतलब मेरा पहला और क्या बोलता है ये दिसंबर और जनवरी में और फरवरी में मैं आया ही नहीं। और उतना टाइम जब मेरा पैर टूटा, उतना टाइम का बात बता रहा हूँ, जब मेरा पैर टूटा मेरे को खुद का ऊपर इतना विश्वास था कि पिता ईश्वर मेरे को कभी कुछ होने नहीं देंगे। मेरा जब पैर टूटा बीच रोड में था तो पिता ईश्वर का ऊपर भरोसा था कि वो मेरे को कुछ करने होने नहीं देंगे। मैं वहाँ से अपने से खुद से उठा और वहाँ खुद का पैर को देखा कि पैर टूट गया है। भैया को फ़ोन किया कि भैया पैर टूट गया है मेरा, तो वो आए मेरे को लेने, स्कूटी में बैठ के जा रहे थे हॉस्पिटल। फिर बाद में पता चल रहा है कि मतलब ये चलने थोड़ा नहीं पाया, फिर बाद में गाड़ी में लेके गए मेरे को हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुंचा और रात को मेरी दीदी है रोसलिन टोप्पो जो यहाँ मध्यस्थता प्रार्थना करती है और मेरे भैया हैं वो पीछे, और यह ये है मेरी दीदी है, मेरे से बड़ी वाली दीदी, ये रोसलिन टोप्पो। इसको मैं फ़ोन करके बताया कि मेरा पैर टूट गया है पूरा, मतलब हड्डी अलग हो गया है। तो यहाँ पर दीदी फादर लोग को बोले और मेरे लिए यहाँ प्रेयर चल रहा था, और मतलब मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ है। और मतलब मैं दीदी लोग को फ़ोन किया यहाँ, मतलब ये फादर सभी लोग यहाँ को पता चला और मेरे लिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज मेरा ऑपरेशन हुआ, कल मैं शाम को डिस्चार्ज होकर घर गया हूँ। और मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ बाइक में, मैं पीछे बैठा था और जो मेरे सामने बैठा था, जो सामने बाइक चला रहा था, उसका भी पैर उंगली टूटा और पैर फ्रैक्चर हुआ। उसमें भी क्या हुआ, उसका मेरे से कम लगा था, उसका मैं रॉड नहीं लगा है, मेरा पैर में पट्टी लगा हुआ है प्लस स्क्रू भी 7-8 लगा हुआ है। और उस वो चलने नहीं पा रहे थे वो, और मेरे को यहाँ प्रेयर चल रहा था और मैं खुद भी प्रेयर कर रहा था। पिता ईश्वर की कृपा से डॉक्टर लोग बोले थे कि आपका कंडीशन इतना ख़राब है कि मतलब 2-3 महीना तो आप बेड में ही रहोगे, चलना फिरना तो 5-6 महीना के बाद देंगे। लेकिन भगवान की कृपा से, पिता ईश्वर की कृपा से मैं 1.5 महीना में चलना क्या, स्कूटी चला के बाहर चले गया था मार्केट। और इसके लिए मैं पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, हालेलुया। और अभी यहाँ शिविर आने से पहले का बात है, ये मैं हमेशा वही आप लोगों को बोला कि मतलब शैतान तो मेरे को पकड़ लिया था, शिविर आने नहीं दे रहा था। फिर ये यहाँ शिविर आने से पहले मैं 15 दिन पहले यहाँ आया हूँ, ये मेरा रायपुर में पढ़ाई करता हूँ वहाँ, तो वहाँ पर मेरे को महीना भर लगभग से मतलब मेरे को परेशानी हो रहा था, इतना तक कि मतलब मैं कॉलेज जा रहा था, कॉलेज में भी मन नहीं लग रहा था। मेरा ये स्कूल का मतलब वो ऑब्जर्वेशन था, तो मतलब स्कूल जा रहा था वो ऑब्जर्वेशन के लिए, तो मतलब वहाँ पर भी बच्चों से उतना मन, अपना मन को उधर लगा रहा था लेकिन मतलब मन उधर नहीं था। और रास्ते में आते हुए मैं मम्मी से कॉल कर रहा था और मेरे से बड़े वाले भैया हैदराबाद में रहते हैं, उसके पास कॉल कर रहा था। और मतलब मेरे को मतलब इतना टेंशन हो गया था कि मतलब मम्मी लोग को मैं बोल रहा था कि मम्मी मैं जीने नहीं पाऊँगा, मम्मी मैं मर जाऊँगा। ये लोग को मैं बोल रहा था कि मैं ना मम्मी मैं यहाँ रहने ही नहीं पाऊँगा, मैं यहाँ मर जाऊँगा, ये बोल के रो रो के मैं बोल रहा था। मम्मी बोल रही थी कि घर आ जाओ। फिर मतलब मेरा और उस दिन जिस दिन रोऊंगा उसके दूसरे दिन, मतलब उस दिन घर जाने का मन करेगा, दूसरे दिन फिर मन चेंज हो जा रहा था कि नहीं आज मेरे को यहीं रहना है, रायपुर में मेरे को पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके मैं घर जाऊंगा, ये सोच रहा था। वैसे 2-4 दिन ऐसे ही मतलब मम्मी को कॉल किया, भैया को कॉल किया, सभी को मैं कॉल किया कि मतलब मेरे को यहाँ ना इतना परेशानी हो रहा है जिससे मतलब मैं यहाँ रहने नहीं पाऊँगा, मैं मतलब जीना नहीं चाहता हूँ मैं बोल के, मतलब जो मेरे को मेरी मम्मी खड़ी हुई है, जो मेरे को पैदा की है, मैं उसको उसके पास मैं बोल रहा था, इतना बेकार लग रहा था कि मैं मरना चाहता हूँ मम्मी बोल के। और इसमें भी भगवान की ही इच्छा थी, मेरे को बाद में समझ में आया जब मैं आज फादर को बोला कि मैं गवाही देना चाहता हूँ, अभी मैं पीछे बैठा था तब मेरे को समझ में आया कि मैं मेरे को परेशानी क्यों आया, मैं मम्मी लोग को रो के क्यों बोल रहा था कि घर जाऊँगा मर जाऊँगा। मेरे को घर जाना नहीं था या मेरे को मरना नहीं था, जो मैं शैतान मेरे को अक्टूबर से छेक के रखा था यहाँ आने में, इतना तक मेरा पैर तोड़ दिया। लेकिन अभी मैं 15 दिन पहले मैं ये शिविर में आया हूँ। शैतान क्या
जब भी शिविर का, दो दिन पहले मैं प्लानिंग बना रहा था कि इस बार का शिविर अटेंड करूँगा, तो हमेशा मेरे को रोक दे रहा था। भगवान की इच्छा थी कि मैं 15 दिन पहले आके यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ ये शिविर में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इनको इधर लाया, बहुत काम किया उधर, और टॉयलेट के जगह में टाइल्स इन लोग, इसका भाई अविनाश।